बस पैन कर और पैन कर बस पीछे बस दूर खड़े हैं, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। खुला है ये फ्यूज बनाया मैंने अभी। कैमरा लुक, कैमरा लुक वाइट फ्रेम में तेरे कैमरा आज यहाँ पे मिलेगा ना, वाइट में तो नहीं। लेफ्ट में फुल लेफ्ट, मैं अकेला नहीं हूँ। अजय सुना तुमने जो बोला ना, अरे भाई लोग क्या बोलो, रेडी क्यों आ गया, बस सुन ले चल बैठ कर एक मिनट का भाई। Hi, first, how excited are you for tonight? Actually, I'm really excited for tonight. I'm really excited for tonight. I'm really excited. काफी समय बाद आपको देख रहा हूँ मैं भी, काफी पर्सनली काफी समय बाद आपको देख रहा हूँ। इधर क्या कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट, अगर आप कुछ बताना चाहो। अभी एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक वेब सीरीज शूट की है सूरत में, लाइक अभी उसी का शूट चल रहा था, फिर उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा स्टडीज़ पे फोकस करते हैं, तो अभी तो फिलहाल मैं स्टडीज पे फोकस कर रही हूँ। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो। किस तरह की वेब सीरीज है, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट योर रोल, अबाउट योर स्टोरी, कुछ अगर हिंट देना चाहो तो। उस वेब सीरीज को काम विद राइट, और लाइक अब इसका एडिटिंग स्टार्ट हो गया है, तो लाइक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड। शो को कितना मिस कर रहा हूं, बिल्कुल शो को तो फर्स मैं मिस करती हूं, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक पार्ट है। मेरे दो तीन साल वहीं पे गुजारे थे सबके साथ, तो ऑफ कोर्स मैं सबको मिस करती हूं, अपने कैरेक्टर को मिस करती हूं। सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूं मोहित सर, कास्ट कास्ट की मैं बात करूं मोहित सर, और बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। अब मुलाकात होती है, बातचीत होती है, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मोहित भैया से मिलती रहती हूं मैं रेगुलरली, और इंग्लिश से भी मिलती हूं उनके बेटे से, तो लाइक हां हम मिलते हैं, बातचीत करते रहते हैं, टच पे हैं सब लोग, और ऑफ कोर्स मैं सबको मिस करती हूं। सेट पे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, सबको मिस करती हूं। बिग बॉस के तो बोल कैमरा लुक हम रुक जाओ, शिवानी जी रुको, शिवानी जी रुको, थोड़ा लाइट चालू कर, लाइट चालू कर। हाँ शिवानी जी कहाँ, शिवानी जी रुको इधर, हाँ बस 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 उधर ही थोड़ा फुल पोस्ट। शिवानी जी लेफ्ट, थैंक यू। लुक सेंटर, थैंक यू सो मच, दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वर्क पार्ट्स आर एक्चुअली योर एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, डिजाइनर्स, डायरेक्टर्स, so it's going to be a wonderful melting point. Thank you so much Universal Awards for nominating me. I hope I'll get the award. I'm just keeping my fingers crossed. You're nominated in which category? I'm not nominated for versatile singer of the year. One song from any sure. Well, any request, anything. Okay, so let me sing a song called Zinda Hoon Main, jiski wajah se main Mumbai shehar aake settle hua hu. मौत शर्मिंदा है जिस्म जहां सब जिंदा है, हवा कफन है, सांसें दफन है,
मिट्टी मिट्टी है सब, जिंदा हूँ मैं आप सबके लिए, यस आई एम अलाइव। बहुत दूर खड़ी, मेरे को भी नहीं मिला इसका कैमरा वाले, इसलिए मैं कहाँ सोल्व कर रहा हूँ तो अच्छा नंबर तक क्या करना भाई करने देखो मैं इधर पूरा आशीर्वाद तुम्हारे पढ़ना जी आसिम भाई ऐसे ही करते हैं। अभी तुम कहाँ थे कुछ मत पढ़ना जी कैमरा लो, उधर भी कैमरा ही है। बाइट आजी बाइट, थैंक यू। हाँ जी जी बाइट कर लेते हैं, चलो बाइट कर छोटे ये वाला है ना सेंटर में, पढ़ना जी ये वाला सेंटर में। लाइक यू ऑल नो दीज डेज अवार्ड्स का सीजन ही चल रहा है। येस्टरडे अगेन एंग्जायटी, टुडे और सो आई एम वेरी एक्साइटेड यार, अच्छा लगता है क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अवार्ड्स एक ऐसी जगह होती है सबसे पहले तो जहाँ आपको अपने फेलो कलीग्स को अच्छे उनके अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट होते थे आप देख सकते हो, सो दैट्स ऑलवेज नाइस। और आपको जब भी अपने काम के लिए अवार्ड मिलता है तो इट्स नथिंग लाइक दैट। एंड अच्छे से ड्रेसअप होकर आना किसे पसंद नहीं, आजकल मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं फॉर माई फैन स्पेशली, जो लोग नहीं देख पाते हैं हमें नहीं मिल पाते हैं। आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में एक्सपेरिमेंट हम लोग जो शोज में नहीं कर पाते हैं वी कैन ऑलवेज डू अजय अवार्ड्स। अरे बाबी जी, बाबी जी हाँ चलो रोज एवरीवन हु नोज मी नोज कि मुझे बिग बॉस कितना ज़्यादा पसंद है, उनका सीज़न मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीजन्स है। और मैंने हमेशा कहा है कि मुझे सिद्धार्थ शहनाज उनका बॉन्ड उनका पूरा सीज़न, आरती वाज देयर इन दैट सेम सीज़न, रश्मि वाज देयर, तो वो सीज़न ही मेरे बहुत क्लोज है क्योंकि ऐसा किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था जो हो गया है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि वो जहाँ भी हूँ आज must be happy, अब यहाँ की चीज़ों से मुक्त हो चुकी हूँ एंड जहाँ पे भी हूँ बस खुश हूँ अच्छे हूँ एंड क्या। ओके बिग बॉस की बात करते हैं, 16 आप कितना फॉलो कर रहे हो? क्या मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं मुझे अब जो पूछना मैं बिंदास फॉलो कर रही हूँ, जो कुछ भी आजकल चल रहा है ऑब्वियसली बहुत एंटरटेनिंग है एज एन ऑडियंस, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए आई डोंट नो लोग कैसे बिहेव कर पा रहे हैं। और टीना की बात की जाए, शालिन की बात की जाए, मुझे लगता है इस सीज़न में हर इंसान कहीं ना कहीं काफ़ी गलत जा रहा है और फिर उसको सही करने की वो बहुत कोशिश करते हैं, बट ऑडियंस से वो आई डोंट नो मतलब वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं। इतने सारे सीजन ही ना देखे, ये सीज़न आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फेक ज़्यादा है पर्सनैलिटी? ऑनेस्टली मैं बोलूँगी यस ऐसा है, मतलब फेक से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लोग सोच के जब चीज़ें करने लगते हैं। बिग बॉस इज़ अबाउट रियलिटी, मतलब आप सोच के तो अपने शोज़ में आप दिखा ही रहे हो, दिस इज़ अबाउट आप कैसे हो, आप चीज़ों से कैसे डील कर रहे हो। उसमें भी अगर आप सोच के करोगे कि मैं यहाँ पे चलता हुआ कैसा लगूँगा, मैं ये लुक देते हुए कैसा लगूँगा, या मेरा ये वाला हक कौन सी, वो नेचुरल नहीं मतलब आपके शोज़ में देख लिया है कि आप कैसे करते हो एक्टिंग, यहाँ पर जस्ट बी रियल। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग नहीं है इस सीजन में लव एंगल सबसे ज़्यादा बनते नजर आ रहे हैं, किसका लव एंगल आपको जेन्युइन लगता है और किसका फेक? मुझे आई डोंट नो कि ऑब्वियसली उनका लव एंगल है जो भी फ्रेंडशिप बोलो जो भी बोलो, बट मुझे सब में से प्रियंका और अंकित काफ़ी अच्छे जेन्युइन लगते हैं। मुझे अंकित भी पसंद है काफ़ी क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है उनको चाहे कितना भी फोर्स किया जाए उकसाने का या बोलने का कि नहीं आप कुछ डिफरेंट कीजिए, लेकिन वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं किसी के बोलने से। श्रीजिता और टीना की री एंट्री हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई पर्सनली डोंट लाइक इट एट ऑल, और अभी जो हुआ है उसमें मेरे को जो अभी टीना ने बोला कि मैं ऐसे करके बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो साफ साफ बोल रही थी कि मुझे जाना है। उसके बाद उन्होंने बोला भी शालिन को कि यू डिड द राइट थिंग, तो
तो आई डोंट नो लोग कौन से प्रेशर में किस चीज में आते हैं या पता नहीं, मैं उनको भी पूरी तरीके से वो नहीं ठहरा सकती क्योंकि आप मे बी उस मोमेंट पर मे बी जब मैं वहाँ पर हूँ तो नहीं समझ में आती है चीज़ें, लेकिन ऑडियंस को समझ में आ रहा होता है तो जो एक बार आपने कर दिया उसमें टिके रही है, फिर बोल दीजिए कि गलती हो गई, बट ये मत बोलिए कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था क्योंकि ऑडियंस समझती है। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिग बॉस में जाने की तो आप जाना पसंद करोगे एज अ वाइल्ड कार्ड या एज ए? नहीं, अगर मैं मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं शुरू से एंड तक रहूँ क्योंकि ऑडियंस से वो कनेक्शन जितने दिन जितने ज़्यादा उन्होंने आपके साथ पल बिताए होते हैं उससे होता है। सो एज अ वाइल्ड कार्ड आई डोंट नो बट आई स्टिल से नेवर से नेवर। थैंक यू, थैंक यू अन्ना पन्ना नीचे पहले विजुअल्स फिर बाइट। मम्मी जी इधर, मम्मी जी आगे आइए थोड़ा साथ में, बस करना है इधर। चलो थैंक यू, एक मिनट क्या उधर को भी खड़ा कर घुस जाते हो, घुसने के लिए तो पकड़ लेते हो। थैंक यू भाभी जी, बाइट बाइट मम्मी जी के साथ करते बाइट। सेंटर लुक, सेंटर लुक, कैमरा लुक। And you're looking beautiful. Yeah. Yeah. What would you like to say? Samira पूछे ये मिलेगा। You don't say. आपकी मम्मी से जानना चाहूँगा। हाँ आज आपकी लड़की daughter sorry कैसी लग रही है? बहुत ही खूबसूरत। Mom को तो हमेशा मैं खूबसूरत ही लगूँगी ना। Well but I think I owe everything to her. Any upcoming project lineup? Well I know आप लोगों ने मुझे TV पे नहीं देखा है। I've been influencing. In fact I've got my own events business now, so I've been very busy with that. And thanks to my influencing, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। I'm nominated as fashion blogger. So I'm very excited. Okay, वो आप इसलिए जाना चाहिए, आज सिद्धार्थ का बर्थडे है तो कुछ memories recollect हो जाए। I know यार, मैं honestly सुबह से सोच रही थी मुझे बुलाओ मत आप। Like I am missing him because हर साल मैं उसको wish करती थी। We both are Saji Saji. So I am missing making that call to him and say happy birthday Sidhu, but wherever you are Siddharth, happy birthday. लास्ट में बिग बॉस की तो फॉलो कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे किससे? ऑनेस्टली सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन बेस्ट सीजन था, तो उसके बाद मैं फॉलो नहीं करूँ, सो मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप जाना पसंद करोगे? परमिशन दोगे कि नहीं? माई पेरेंट्स आर द रीज़न आई एम स्टैंडिंग हियर, वो लोग मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ा खुद डरती हूँ, यू नो आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। ऑफर आया था इस साल भी आया था, वाइल्ड कार्ड के लिए भी आया था, बट आई एम जस्ट लिटिल स्कैर्ड एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही ना साइड हो जाओ साइड सब लोग। तुलिका हटो यार, तुलिका फील क्लियर, तुलिका। अरे भाई नहीं मिल रहा मेरे को, खाए इधर ले लेना, इधर पूरा गाड़ी को छोड़ ले। मैं आगे गिर जा रहा हूं, मैं तो अंदर का इंतजाम लगा रहा हूं ना। था तुलिका साइड, तुलिका साइड, आइए आइए इधर आइए। मिक्की जी मशीन में कैसे उठिन टप करूंगा मैं, कैसे करूं दे? अरे मेरा फोकस आउट हो गया, फिर से कर दो। ओ इधर बस इधर, ये खाली हाथ सिंह भाई शंकर भाई लाइट नहीं चालू किए तो शंकर भाई मैम इधर अभी आप लोगों का नहीं हुआ है, इधर टर्न हो जाएगी ना। हो शंकर भाई, हाँ भाई लाइट चालू करो। हाँ एक मिनट रुको, बाइट बाइट एक मिनट रुको यार, रुको तो अजय होने तो दे, बाइट बाइट। अरे वो लोग इधर भाई चालू करो, एक मिनट हटाओ इधर मिलेगा।
इधर अच्छा मिलेगा धक्का उक्का मार के सूट कर रहा है तू जगह से हिला ही नहीं हुआ अरे भाई 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 और क्या चल रहा है फर्स्टली सेंटर लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर आउटफिट लुक सेंटर माय आउटफिट नथिंग इट्स ग्लैमरस आई एम लुकिंग हॉट सेंटर सेंटर लुक मैन एसी भी कौन है आज आज के अवार्ड शाम के बारे में क्या कहना चाहोगे आर यू नॉमिनेटेड फॉर एनी कैटेगरी नॉमिनेटेड फॉर निक्की निक्की जी सेंटर लुक फैशन इंस्टा ऑफ द ईयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई होप आई गेट द अवार्ड यू विल डेफिनेटली गेट अप चल इधर से पूछ लो भैया निक्की व्हाट वुड यू लाइक सेंटर लुक कैमरा लुक हां पूछो निक्की व्हाट वुड यू लाइक टू सी अबाउट द फैशन एज यू क्या कहना चाहोगे देखिए nowadays you are being into the controversy lot of what would you like to say about the controversy the names are getting into your name kuch aap kehna chahoge jisko jo bolna hai main usko Kevin ka bhi naam aaya tha uspe can we not talk about this jahan pe awards pe aaya hai guys can we not talk about this please are you IT and today universal how does it feel charming the red carpet with daily vibes it's amazing it's always fun to get ready and looking forward for tonight सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और सबको पता है कैसे डील करना है तो मैं दुनिया को नहीं बताना चाहती कि मैं कैसे डील करती हूँ अरे कैमरा बंद हो गया था और जोर से चिल्ला वेट 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 वो थोड़ा हाँ वो घूम के एक्सक्यूज मी लाइट चालू करो अनुष्का जी इधर आइए हम लोग लॉकडाउन में फॉलो किए छोटे लोग कर रहे हैं अनुष्का जी इधर आ पीछे ना यार आगे कौन मिला है खजबो कैसे कर रहे हैं अनुष्का जी यही है तुम मोबाइल से करना है ट्राइपॉड से मैम इधर देख लीजिए अनुष्का जी इधर आइए ना एक स्टेप अनुष्का तो लेफ्ट में बस बस चलो हो गया उधर ज्यादा चलेगा नहीं सेकंड बार अनुष्का दिस बार बस बस नो 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 लुक सेंटर लुक सेंटर डरवा नहीं रहा हूं नाइस लुक सिंगल मिलेगा नहीं सामने आपके अनुष्का जी इधर देखिए ना आपके लेफ्ट पहले उनको हो जाने दो अरे कितना लेंगे वो हो गया उनका आप लोग हो गए भाई अनुष्का जी दूसरे सामने अनुष्का लेफ्ट लेफ्ट लुक लुक रुको रुको आज गुंजन जी का भी बाइट ले लेंगे साथ भाई अंदर है अनुष्का जी बाइट कर देते हैं सेंटर लुक देना मैंने पहले बाइट कर लेते विशाल पहले बाइट कर लो यार विशाल इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो अनुष्का लेफ्ट राइट राइट आपके राइट भूल जाते हैं हम लोग लेफ्ट राइट की एक कैमरा कैमरा गिर जाएगा भाई पैसा अरे तो आ गया एक मिनट ये वाला कैमरा रहेगा हां इधर बीच में दे रहे हैं नॉट ठीक सब सेंटर में चलो रोलिंग यस यस आई एम फर्स्टली व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर फिट So I just tried something new and me and my team came up with a new idea of going with a vet look and a different sari, a modern twist and a sari. I love wearing a sari and I was like, okay, let's just, you know, do a new look and I'm glad you were like... Are you nominated for any category? Yes, I am nominated. I've gotten to know right now that I've been nominated, so I'm really excited to know what the award is. You just finished with a Korean project. Would you like to say something about your project? Absolutely. I am shooting a film called Asia in Korea and I'm really
representing India there, and I'm trying to become a bridge between India and Korea and even Hollywood. So it's a very big project for me, and thank you so much to the entire media for being so supportive and giving me so much love while I was there and even when I came back. Thanks to all the fans for always giving me so much love through their messages, edits and comments, and I'm really, really grateful that I got the opportunity to represent India. अनुष्का, अभी विशाल जेठवाल की मूवी आई है, क्या आपने देखी और क्या कहना चाहोगे? Unfortunately मुझे देखने का टाइम नहीं मिला, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वन ऑफ माय फ्रेंड्स डू सो गुड, एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है. सो कांग्रेचुलेशंस टू विशाल, एंड आई होप आई कैन सी द मूवी वेरी सून. अनुष्का, आपको बड़े पर्दे पर कब देख सकते हैं? बड़ी बड़ी जल्दी. एक्चुअली मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी मुझे लगेगा कि ये स्क्रिप्ट मेरे लिए राइट है, ये कैरेक्टर मेरे लिए राइट है, तो मैं वो डेफिनेटली करूँगी एंड आप जरूर देखूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. अनुष्का, तो मैं कहना चाहूंगी कि विकी को ऑल द बेस्ट. आप लोग फाइनली मुझे पूछ रहे थे कि प्लीज बिग बॉस में आपका कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड है. फाइनली मेरे इतने क्लोज है विकी, उनके साथ मैंने काम भी किया है, एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप वो जीत के वापस. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक्स. मैं बस 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 मैम, कैमरा लुक देना इधर. हां, आपको ही देख रहा हूं. कब लोगों को बुलाओ? पूछेंगे क्या विशाल? अरे हाँ, तो बबलुआ को बुला लो, थक गए होंगे. वो पूछ लेंगे. चलिए भाई, अरे बाद में करेंगे. डायनामाइट उसमें ऑडियो आ रहा है. वो ले लीजिए आप, मैं दूसरा ले लूंगा. अल्लाह मत करो यार. साइलेंस का नया सेंटर लुक. आई एम एक्साइटेड. I was nominated, I guess. I'm getting an award, so this is my first for the show, the television show that I'm doing now, Ricky Seema, and quite excited. इतने साल करके कुछ मिला नहीं, पहली बार नेगेटिव किया, इतना बूम हो गया. शो को काफ़ी ज़्यादा ये ना प्यार मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो टेलीविजन का सिचुएशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो गया था. बट अभी अच्छे अच्छे शोज आ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग बैक ऑन टीवी. आई थिंक दैट इज़, उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी. देखिए, शो बहुत थोड़ा सा सब्जेक्ट इज अ लिटिल ऑफ देन रेगुलर सब्जेक्ट्स, सो या पीपल आर हुक्ड. आई एम आल्सो हुक्ड. फॉर के लिए थैंक यू सो मच. स्नेहा, आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? मराठी बिग बॉस में राखी सावंत है, और हिंदी की अगर बात करें तो शिव ठाकरे है. मराठी थोड़ा सा फॉलो नहीं हो रहा है, बट हिंदी हो जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत देखती है बिग बॉस, तो मम्मी की वजह से देखना पड़ता है कभी कभी. आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अभी फिलहाल के लिए तो मैं. ओके, एंड सो शालिनी मीना की आपको जो जूरी कैसी लगी? देखो, मैं पर्सनली दोनों को जानती हूँ, तो आई वुडंट वांट टू गिव एनी कमेंट्स. So do you think it is fake or real? अगर किसी एक का साइड आपको लेना है, I don't think so. It's fake. Anything is, nothing is fake. But मुझे, मैं एक बात बताऊँ क्या? Big Boss के घर में, because I've been in Marathi, fake कुछ भी नहीं हो सकता. कुछ नहीं हो सकता fake. वो आपके अंदरूनी emotions होते हैं जो बाहर निकल के आते हैं. Correct? Thank you so much. He is a little extreme. I have worked with him. तो वो है एक्सट्रीम, है एक्सट्रीम इमोशंस निकलते हैं. तो आई थिंक ही इज रियल, ही इज नॉट फेक. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. यार, विजुअल्स कर लेते प्लीज. कहा अरे आपको नहीं भाई, एक मिनट कैमरा लुक, नाइस लुक भाई. हाँ, चलो भाई.
चलिए बाइट बाइट कर लेते हैं। रोल रोल व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द अवार्ड नाइट? पहले तो ये अवार्ड नाइट जो है मेरे लिए बहुत ही खास है। मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है फिटनेस आइकॉन का, एंड फिटनेस मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिटनेस के बिना मेरी मेरा दिन होता नहीं है। मुझे लगता है मैंने कुछ काम नहीं किया अगर मैंने कुछ फिटनेस या डांस कुछ भी कुछ तो करूँ तो अच्छा लगता है। सो दिस अवार्ड इज़ वेरी स्पेशल। आई वुड लाइक टू थैंक यूनिवर्सल इंडिया अवार्ड्स, वेरी काइंड टू गिव समवन लाइक मी अ स्टैंड। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू। आर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? यस देयर आर, वेरी एक्साइटेड। नेक्स्ट ईयर जो है मेरे लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है, और अभी फिलहाल उस बारे में मैं बात नहीं कर सकता, पर जनवरी में अगले साल में मैं स्टार्ट कर दूँगा। सो बस थैंक यू, कीप वॉचिंग। थैंक यू। All award nights are welcome. I hope there's lots of music and fun for everybody. And I hope the best win. I'm here to enjoy myself. Have a great time. Abu ji, can I go? No. आप सिद्धार्थ का बर्थडे क्या कहना चाहोगे? कितना सिद्धार्थ को याद कर रहे हो? हाँ? Today is Siddharth's birthday. कितना miss कर रहे हो? क्या कुछ कहना? I send him a message today. I can still send him a message. It's a heartfelt message. He was a fantastic person. I think he's still around with us. You know, just to believe that he's not there is something like I have not accepted it, and many I think in the whole world, all his fans have not accepted the fact that Siddharth Shukla is not. It's something I feel. Huh? Yes, Mr. Big Boss, are you watching? Yes, I am watching. क्या कहना है? It's okay. It's enjoyable. Nothing like Big Boss 13 because I was there with Siddharth Shukla. Who is supporting? Like, who is supporting? Yes. I'm not supporting actually anybody in the show as such. But I hope the best one wins. Any favorite contestant? I think that boy is very good. Daljeet's husband. Shaleen. Shaleen. Oh. He's there everywhere. And that's what the game is all about. He should be everywhere. And that's a lot of fun. And that is what he is. And he's okay. I don't know how the what you call the strategies work. But I see him whenever he's there on the camera. And that's it. अभिषेक भाई इधर ये आगे कौन लाइव मार रहा है? लोग मार रहे मारने दे। अभिषेक भाई इधर। हाँ ये तो शुरू हो गया। आगे जा पीछे बहुत ही अलग तरीके के है। एक रिसेंटली आई हैव डन अ म्यूजिक वीडियो, इट्स अ रोमांटिक म्यूजिक वीडियो जिसकी बहुत ही अलग वाइब है। हमने शिमला में शूट किया है और एक बहुत जल्दी फिल्म शो भी मिलेगा बहुत जल्दी, अगले अनाउंसमेंट होगा आने वाले समय में। बिकॉज वी ऑल नो प्लानिंग अनुष्का लेफ्ट में, अनुष्का लेफ्ट, अनुष्का लेफ्ट,
इधर इधर देखिए ना अनुष्का अनुष्का बोलियो बोलियो थोड़ा इधर आइए ना थोड़ा इधर। अरे लाइट जला लो, बैटरी दिलवाने बाद भी नहीं जला रहे। किसको दिला? हाँ बस बस यही चाहिए। Once more. अरे वो ये वाला इधर चलो अभी घर पे लेके जाओ। मिली भाग लेफ्ट लेफ्ट हम लोग लेफ्ट। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। थैंक यू बहुत बेसब्री से इंतजार था इस अवार्ड नाइट का, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे को एक्टर्स, काफ़ी सारे जो कलीग्स हैं, आई हैव सीन देम अटेंड दिस अवार्ड, बट मुझे कभी मौका नहीं मिल पाया। सो आज वो लकी नाइट थी एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हियर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोग्राम टुनाइट। लेट्स सी हाउ इट गोस। किस हाल में? थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू।